जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि आपके YouTube चैनल में है तो आप कोई कोई नया YouTube चैनल बनाता है तो उसको सब्सक्राइबर कितने हैं वो हिडन करने पड़ते हैं, उसको छुपाना चाहता है क्योंकि उससे क्या एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके चैनल पे कि कोई सोचता है कि आपके इतने सब्सक्राइबर है तो मैं क्यों सब्सक्राइब करूं। ऐसे सोचना नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अपना मोटिवेशन के लिए दोस्तों कि आप कैसे अपने वीडियोस को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और कैसे अपने वीडियो को व्यूज ला सकते हैं ज्यादा और वॉच टाइम ला सकते हैं, तभी मैं बताने वाला दोस्तों कि आप सब्सक्राइबर हिडन कैसे करते हैं, वो कौन से यूट्यूब में जाके सेटिंग में जाके आपको उस सब्सक्राइबर जो हिडन करते जो आपके अलावा किसी और का ना दिखे वो सब बताने वाले इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा धमाकेदार बना दो, घुमा फिरा के शुरू करेंगे और धमाकेदार। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। आज हम देखने वाले कि आप कैसे यूट्यूब में जो आप सब्सक्राइबर और हिडन कर सकते हैं, मैं वो बताने वाला। लेकिन दोस्तों उसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपको जानना है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आपको सिर्फ क्रोम खोलना पड़ेगा। दोस्तों क्रोम खोलिए, क्रोम खोलना, सिर्फ आपको क्या करना, क्रोम में जाके खुल जा भाई, खुल जा खुल जा। दोस्तों देख सकते हैं क्रोम खुल रहा है, इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों क्रोम खोलने के बाद दोस्तों आप जो अपना यूट्यूब अकाउंट है उसको लॉगिन कीजिए। मेरा पहले से लॉगिन है दोस्तों, मैं बस उसको आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको जो आपका लोगो है उस पर क्लिक करना है, लोगो पे क्लिक करना है, यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन आए उस पर क्लिक करना है। दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो लोडिंग हो रहा है। दोस्तों थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है तो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये हो रहा है, तो हॉल क्या चल रहा है दोस्तों, देखो देख सकते हो दोस्तों मेरे करेंट सब्सक्राइबर 2 है, बहुत पहले का चैनल है दोस्तों ये मेरा, तो मैंने बाय चांस से ऐसे बनाया था कि देखने के लिए कैसे। तो फिर दोस्तों सेटिंग का ऑप्शन आता है सबसे नीचे आपके लेफ्ट साइड में। सेटिंग का ऑप्शन आने के बाद दोस्तों ये ऐसे ऑप्शन आते हैं चैनल जनरल अपलोड, तो आपको चैनल पे क्लिक करना है। दोस्तों चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शन आता है एडवांस सेटिंग ब्रांडिंग फीचर, तो हमको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन स्क्रॉल करनी ऊपर, तो दोस्तों देख सकते हैं सब्सक्राइबर काउंट, मतलब ये खुद ही अपना सब्सक्राइबर काउंट करके दूसरों को भी दिखाता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर है। तो आपका आपको अपने ऊपर भरोसा है तो अनसब्सक्राइब के आप टिक कीजिए और सेव कीजिए। तो दोस्तों ये हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसका एक वीडियो खोल के कि आपका जो सब्सक्राइबर वो हिडन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये मीटो का वीडियो बहुत साल पहले डाला था, तो ये हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। प्ले नहीं करूंगा दोस्तों, उसको स्टॉप करूंगा। नीचे दिखता है दोस्तों कितने सब्सक्राइबर हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं कोई भी एक भी सब्सक्राइबर आईडी नहीं दिखा रहा जिसमें आपको सब्सक्राइब है। तो ऐसे आप अपने यूट्यूब अकाउंट में जाके और अपना सब्सक्राइबर हिडन कर सकते हैं, ऐसा वीडियो देखने के मिले। दोस्तों आपने देखा कैसे हमने अपने YouTube चैनल है उसका जो सब्सक्राइबर्स है वो छुपा दिया कि आप दूसरे को जो व्यूज आपको देखने आएंगे तो आप उन व्यूज को पता नहीं लगेगा कि आपके सब्सक्राइबर कितने। लेकिन दोस्तों मैं एक सवाल है दोस्तों कि आप छुपाना क्यों चाहते हैं? दोस्तों छुपाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्यों दोस्तों? आपके कंटेंट अच्छे, आपकी वीडियो अच्छे, तो आपको जरूरत ही नहीं है वो सब्सक्राइबर छुपाने के। हाँ कभी बाय चांस आपके ज्यादा सब्सक्राइबर और आपने थोड़ा कुछ काम के लिए ब्रेक लिया उस चैनल से, तब आप सोच सकते, कुछ पर्सन सोच सकते उस हिडन करने के, क्योंकि कोई कोई क्या लगातार वीडियो नहीं डालता तो कोई को अनसब्सक्राइब करता है, उस समय डालना ठीक है दोस्तों। लेकिन आप ऐसे नए वीडियोस, नए यूट्यूबर्स है और आप रेगुलर डालते वीडियोस, आपके कंटेंट, आपको विश्वास है आपके कंटेंट अच्छे, तो आपको जरूरत ही नहीं दोस्तों जो सब्सक्राइबर है हिडन करने की, वो जरूरत ही नहीं दोस्तों। आप अपने पे भरोसा रखे और 100% आप अपना दीजिए और रोज का एक वीडियो पक्का डालिए दोस्तों। जैसे कि मैं भी अभी नया यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं हिडन नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने भरोसा है कि मैं हिडन करूंगा तो एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैं बता तो दिया आपको कैसे करते, आपकी मर्जी दोस्तों, सिर्फ मेरा सजेशन है कि आप ना करें, क्योंकि उससे आपको आगे जाके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। कोई कोई कमेंट्स में बोल सकता है भाई तूने ऐसे छुपा के रखा है, ऐसे बहुत सारे हजार सवाल होते दोस्तों। तो इसलिए बोलता हूँ कि सजेशन है कि आप हिडन ना करें, आप अपने पे पूरा भरोसा रखें और सिर्फ आप अपने यूट्यूब के कंटेंट में डालें, कितना कंटेंट डाल सकते, कितने ज्यादा कंटेंट
डाल सकते हैं और नए नए एडवांस कंटेंट्स कैसे डाल सकते हैं और अपने व्यूज को अपने पास कैसे बुला सकते हैं उस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता लगा होगा कि अनसब्सक्राइब के मतलब सब्सक्राइबर जो हिडन कैसे करते हैं और उस सजेशन भी समझा होगा कि आपको करना चाहिए ये नहीं। तो फाइनली दोस्तों आप अपने आसपास की सफाई रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो आखिर में दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।